हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ पोयम फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स और जो हमने क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से लिया है। तो स्टूडेंट, हम इसकी समरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इफ़ यू वॉन्ट देन यू कैन सी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट आर द फ्लोरी बैंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये फ्लोरी बैंड क्या है जिसने हमें धरती से बांध कर रखा हुआ है। तो आंसर है, द फ्लोरी बैंड दैट बाइंड अस टू अर्थ इज सम ब्यूटिफुल थिंग्स विच इज़ गिवन बाय गॉड। कि जो फ्लोरी बैंड है जिसने हमें धरती से बांध कर रखा है, ये कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। और वो भगवान ने हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि सन है, मून है, ट्री है, फ्लावर्स है, रिवर्स है। तो इस तरीके से कुछ सुंदर चीज़ें हैं जिनको फ्लोरी बैंड का नाम दिया हुआ है। इट रिमूव्स ऑल सफरिंग एंड सोरो फ्रॉम आवर लाइफ। और ये हमारी लाइफ से क्या दूर कर देता है, परेशानियों को और सैडनेस को। देयर इज डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस ऑल अराउंड, बट द प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स दिस सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स एंड आवर स्पिरिट। तो अब हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा निराशा है और उदासी है। और लेकिन जो ये सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी हैं, इनकी प्रेजेंस क्या करती है, ये हमारी सैडनेस को हमारे दिल से, हमारी आत्मा से दूर कर देती है और हमें क्या प्रदान करती है, हमें एक खुशी प्रदान करती है। तो ये जो फ्लोरी बैंड है स्टूडेंट्स, ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो कि बहुत सुंदर हैं और जो भगवान ने हमें दी हैं और जो हमें इस धरती के साथ क्या रखती हैं, बांध कर रखती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू कीट्स, वर्ड्स मेक्स मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज। कि कीट्स के अकॉर्डिंग, अभी कीट्स कौन है, ये पोएट हैं इस पोएम के, तो उनकी अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ में दुख और प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उस वो जीना मतलब नहीं छोड़ता है, तो उसके क्या कारण है। तो आंसर है, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज दैट मेक्स मैंस लाइफ ग्लूमी। कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी दुख हैं, वो क्या करते हैं, इंसान की लाइफ को ग्लूमी बना देते हैं, सैड बना देते हैं, दुख भरा बना देते हैं, एंड कॉज हिम सफरिंग एंड पेन। और यही कारण बन जाता है उसके सफरिंग का और उसके पेन का। इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद, ही डज नॉट सीज टू लव लाइफ बिकॉज सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव्स ऑल द सैडनेस दैट कवर्स हिज स्पिरिट्स। लेकिन इन सब के बावजूद वो लव लाइफ में उसमें नहीं जीना छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि कुछ सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो कि उसकी ज़िंदगी से ये सैडनेस को और उसकी आत्मा से इस दुख को निकाल कर बाहर कर देती हैं। द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ नेचर विच इज़ गिवन बाई गॉड मेक लाइफ स्वीट एंड हैप्पी। और जो ये ब्यूटिफुल थिंग्स हैं जो नेचर की हैं, जो भगवान ने दी हैं, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, उसकी लाइफ को स्वीट एंड हैप्पी बना देती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इमेज डज कीट्स यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। कि कौन सी इमेजेस जो हैं वो यूज़ करी हैं कीट ने इस धरती की सुंदरता को दिखाने के लिए। तो आंसर है, कीट्स यूजेस द इमेजेस ऑफ ए हेवन फाउंटेन दैट कॉन्स्टेंटली पोर्स वंडरफुली ब्लेसिंग ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एन इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन इन टू अवर हार्ट्स। कि कीट्स ने यूज किया है एक स्वर्ग से आते हुए फव्वारे की इमेज को, कि जो कॉन्स्टेंटली लगातार हमारे ऊपर एक अद्भुत आशीर्वाद बरसा रहा है धरती के ऊपर। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म एन इमोर्टल ड्रिंक। कि एक इमोर्टल ड्रिंक है, इमोर्टल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रिंक है, वो हमारे ऊपर बरसा रहा है फ्रॉम द हेवंस, हेवन से इन टू अवर हार्ट्स, हमारे दिलों के ऊपर। द ब्यूटी ऑफ द सन, द मून, द ट्रीज, द डेफोडिल्स एंड क्लियर रिवर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक गॉड हैड ब्लस अस विद अस। और ये इमोर्टल ड्रिंक क्या है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है, ये है स्टूडेंट्स सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स और रिफ्लेक्शंस। और मतलब कि जितनी भी जो नेचर की दी हुई खूबसूरत चीज़ें हैं जो भगवान ने दी हैं, वो क्या है, वो एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक है जो कि ये जो फाउंटेन है ये हमारे ऊपर लगातार बरसाता है, हमारे दिलों पर बरसाता है।
तो इस धरती के सुंदरता को, जो ये जो बाउंड्री जो क्रिएट करी गई है वो क्या है, वो यही है जो भगवान का दिया हुआ ये एक फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक वाला, यानी कि ये सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, और ये नेचर की खूबसूरती है जो भगवान ने हमें दी है और जो कि हमें आशीर्वाद के रूप में मिली है और हमारे जीवन से सारे दुख दर्द को दूर करती है और हमें इस धरती से जुड़ने के लिए रोज़ रोज़ मजबूर कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मेंशन एनी टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट कीट्स हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज पोम, हाउ डू दे मेक अस जॉयफुल, कि कोई दो चीज़ें बताओ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो कि कीट ने मेंशन करी हैं अपनी पोयम में और वो किस तरीके से हमें जॉयफुल देती हैं। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू कीट्स एवरी थिंग्स ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर, कि कीट्स की अकॉर्डिंग कि जितनी भी नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या चीज़ें क्या हैं, वो एक सुंदर चीज़ें हैं जो कि हमें खुशी प्रदान करती हैं। द सन द मून द ट्रीज एंड डैफोडिल फ्लावर्स आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कि जितने भी सूरज हैं चंदा हैं डैफोडिल फ्लावर्स हैं और जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो रिवर्स हैं, यानी जितना भी नेचर की जो खूबसूरती है वो क्या है, वो सारी की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। सो ऑल आर द स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर मास ऑफ फंस एंड द ब्लूमिंग मस्क रोसेस मोटिवेट्स अस टू लिव लाइफ एंड मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और इसके साथ साथ जो पानी है जो झाड़ है किस चीज़ के, ब्लूमिंग मस्क रोजेज़ के, जहाँ पर कि सुंदर सुंदर मस्क रोजेज़ उन झाड़ों के अंदर बहुत सारे खिले हुए हैं, ये मोटिवेट करते हैं हमें ज़िंदगी जीने के लिए और हमारी ज़िंदगी से क्या दूर कर देते हैं, पॉल को दूर कर देते हैं, हमारी डार्क स्पिरिट पर जो पड़ा हुआ दुख है उसको वो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो एक ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि कीट ने डिस्क्राइब करी हैं अपनी पोएम में, और ये हमें इस तरीके से खुशियाँ देती हैं कि जब हम इन्हें देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी पर पड़ा हुआ अंधकार दुख जो है वो दूर हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मेंशन एनी टू थिंग्स विच अकॉर्डिंग टू कीट्स गिव अस पेन एंड सफरिंग, कि उन दो चीज़ों के बारे में बताओ जो कीट्स ने डिस्क्राइब करी हैं जो हमें दुख और सफ़र करती हैं। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू कीट्स वी सफ़र फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, अब ड्यू टू विच देयर इन डर्थ ऑफ नोबल सोल ऑन अर्थ, कि कीट के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमें सफ़र करती हैं जो हमारा स्वार्थी नेचर है, जो हम मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते, और उसके साथ साथ हम सिर्फ अपने आप में ही केंद्रित हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो नोबल सोल है अर्थ के ऊपर मतलब वो तो बिल्कुल रही नहीं है और एक इनह्यूमैनिटी यहाँ पर चारों तरफ फैल चुकी है, अमानवीय लोग हो चुके हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, मैन बिकम्स अनहैप्पी एंड डिस्टर्ब्ड बिकॉज ही सफर फ्रॉम पेन एंड होपलेसनेस एट वेरियस स्टेजेस इन लाइफ, अब जो आदमी है इसी वजह से जो लोग हैं क्या हैं वो अनहैप्पी हैं और डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि किस वजह से, पेन की वजह से, क्योंकि वो होपलेस हो चुके हैं अपनी लाइफ की वेरियस स्टेजेस पर, और ये निराशा उन्हें क्यों मिली है, ये शायद उन्हीं लोगों की पैदा की हुई है कि वो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा रास्ता चुनने के लिए तैयार रहते हैं जो वाजिब नहीं होता। ऑल्सो द बैक ऑफ नोबेलिटी इन ह्यूमन बींग्स एंड ग्लूमी डेज मेक्स हिम अनहैप्पी, अब ग्लूमी डेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुख भरे दिन जो होते हैं, और लैक ऑफ नोबेलिटी इन ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि उनके अंदर जो एक नोबल उनका नेचर होना चाहिए, एक जो अच्छा नेचर होना चाहिए उसकी कमी आ चुकी है, तो इसी वजह से क्या है कि उनके जो दिन हैं उनके दुख भरे हो चुके हैं और जो उन्हें अनहैप्पी बनाते हैं। तो यानी कि जो इंसान का ऑरा है जो उसने अपने आसपास एक ऐसा क्रिएट कर लिया है, जो उसका स्वार्थ है, जो उसका लालच है, जो उसके अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो उसकी एक आदत है, उसने क्या किया है कि उसको बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी बना दिया है और उसको अपने आप में ही एक अपने
आपका इसने एक अपने आसपास ही एक दायरा बना लिया है कि बस जो भी कुछ है वो मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं, जो मिले मुझे मिले, मेरे अलावा किसी को नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, यही जो चीज़ें हैं वो इंसान के पेन और सफरिंग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का जो मैसेज है वो क्या है। तो आंसर है, जॉन कीट्स वॉज अ लवर ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड ही सॉ इट्स एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। अब जो जॉन कीट्स हैं वो क्या है, वो नेचुरल ब्यूटी के एक लवर हैं और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एवर लास्टिंग सोर्स हैं, जो कभी ना ख़त्म होने सोर्स हैं जॉय के और हैप्पीनेस के। थ्रू हिज पोएम ही कन्वेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पॉल ऑफ सैडनेस एंड सोरो एंड गिव अस जॉय एंड प्लेजर्स। और अपनी पोएम के थ्रू उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ये सभी हमारे जो सैडनेस और सोरो हैं, वो जो हमारे दुख हैं, उनको रिमूव कर देती है और हमें क्या देती हैं, जॉय एंड प्लेजर्स देती हैं। द ब्यूटी ऑफ ए थिंग गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड नेवर पासिस इन टू नथिंगनेस। और ये जितनी भी ब्यूटी की चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं और ये वक्त के साथ कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि आने वाले टाइम में और खूबसूरत होती चली जाती है। ऑल दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस। और ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये सारे के सारा एक कॉन्स्टेंट सोर्स है। कॉन्स्टेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा सोर्स है जो कि कॉन्स्टेंट है, जो कि अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट सोर्स है हम लोगों के लिए खुशी का, तो जो हमें मिला हुआ है। तो अपनी मैसेज यही देना चाहते हैं जॉन कीट्स अपनी पोएम के थ्रू, कि ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है जो कि गॉड ने हमें दिया है खुश रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे, कि हम रोज़ सुबह क्या करते हैं, हर दिन क्या करते हैं। तो आंसर है, एवरी डे वी आर रीडिंग अ फ्लोरी बैंड विच बाइंड अस टू द अर्थ एंड इनेबल्स अस टू लिव लाइफ डिस्पाइट द सैडनेस दैट सराउंड्स अस। कि हर सुबह हम क्या करते हैं, पहन लेते हैं इस फ्लोरी बैंड को जो कि हमें धरती से बांध कर रखता है और हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, डिस्पाइट दिस, कि इसके अलावा जबकि हम सैडनेस जो है हमारे चारों तरफ है, इन सब के बावजूद जो ये फ्लोरी बैंड है, ये हमें क्या करता है, हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और ये फ्लोरी बैंड क्या है, ये फ्लोरी बैंड है वही सुंदर सुंदर नेचर की दी हुई चीज़ें जो भगवान ने दी हैं और जो रोज़ हमें इस धरती से बांध कर रखती हैं। वी आर लुकिंग फॉर लवली थिंग्स अराउंड अस एंड इस्टेब्लिशिंग अ क्लोज बॉन्ड विद द अर्थ एंड नेचर। और हम जब अपने चारों तरफ इन सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हैं, तो ये एक क्लोज बॉन्ड इस्टेब्लिश कर देता है हमारा एक धरती के साथ और एक नेचर के साथ। और ये जो है, हम रोज़ सुबह क्या करते हैं, इस बॉन्ड से बंधते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। तो क्या मतलब है इसका स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब रोज़ सुबह सन निकलता है तो हमारा एक रूटीन शुरू हो जाता है कि हम लोगों ने उठना है और उठ के अपने काम पे लग जाना है। बच्चों ने स्कूल जाना है और बड़ों लोगों ने ऑफिस जाना है, घर की लेडीज़ ने घर के काम करने हैं। और फिर इसी तरीके से दिन होता है, फिर रात होती है। तो रात में इंसान क्या, पंछी क्या, सबको पता होता है कि सबने वापस अपने अपने घरों में आना है और फिर रात में अच्छी नींद लेते हुए एक सो जाना है, अच्छे सपने लेने हैं। तो इस तरीके से जो ये नेचर है, ये जो एक दुनिया है जो भगवान ने इसी तरीके से बनाई है, कि हम इनकी बनाई हुई चीज़ों से ऑटोमेटिकली एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं इस धरती के साथ, एक नेचर के साथ। और ये जो बॉन्डिंग है, यही बॉन्डिंग हमें क्या करती है, जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और हम ऑटोमेटिकली एक रूटीन के साथ बंधे हुए होते हैं इस नेचर की वजह से, इस प्रकृति की वजह से, और ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं इनकी वजह से। अगर सूरज ना हो तो अगर तो यही ना पता लगे कि कब क्या करना है। और अगर मान लो रात ना हो तो भी इंसान शायद 24 घंटे काम ही करता रहे, उसको यही ना पता हो कि उसने कब आराम करना है। तो एक ही ब्यूटी की सुंदर चीज़ें ही हैं जिन्होंने कि हम लोगों को एक टाइम टेबल में बांधा हुआ है और हम इनके अकॉर्डिंग ही एक बॉन्ड बनाकर धरती से नेचर से चलते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिर्फ 7 क्वेश्चंस आंसर को ही कंप्लीट किया है, कवर किया है। बाकी के जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।